ये इतिहास अलग है, हम देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं। दोबारा मतलब पिक्चर हमको दोबारा देखना पड़ेगा रीवाइंडिंग करके, कोई इंटरवल में आ गया है, कोई एंड में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है पिक्चर में क्या है। पिक्चर को शुरू होने से पहले हमको बैठना है थिएटर में जाके, तभी समझ में आएगा देश का इतिहास, मूल निवासी कौन है, बाहर से कौन आ गया है, वो लोग इधर कैसे राज चला रहा है। तब तक वो आपको समझ में आएगी, ये समझ में कभी समझ नहीं आने वाला। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया, ये हमारा है। पर्शियन का है, पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर भारत का उधर क्या संबंध है, फिर आपका कैसा हो गया हिंदू, चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप पे विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहां से आ गए, सब आपका नहीं है, फिर आप तो इतने उसको ऊपर गिरा के क्यों आप जा रहे, आपका नहीं है वो सब, फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है, ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने किया है, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। इसके लिए अंबेडकर ने कहा जिसको इतिहास जानता है वही इतिहास को लिख सकता है, समाज को संबोधित कर सकता है। पहले आप लोग इतिहास को जानने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। बहुत महान व्यक्ति का हत्या हो गया है, बहुत लोगों का मारा व्यक्ति का, उसको आके हत्या हो गया, वो बोल दिया इधर तो डूब गया, उसका मंदिर बनाओ फिर पूजा शुरू करो। संभाजी महाराज के साथ ब्रिटिश लोगों ने पकड़ी, उसका हत्या कर दिया, क्यों कर दिया, जब शिवाजी महाराज के खाने पे जहर मिलाया था, संभाजी महाराज उसको पकड़ दिया, पकड़ के उसको शिक्षा दिया, वो गुस्से में उसको ब्रिटिश लोगों का हवाले कर दिया, फिर उसको धर्मवीर संभाजी नाम रखे, वो एक इतिहास, बहुत अजीब तरीके ये देश का इतिहास है, समझ में बहुत टाइम चाहिए, बहुत इसको स्टडी करना पड़ेगा। और एक ही मिनट के आखिर में आप इतिहास के लिए आपके हाथ में मोबाइल में सभी है, आप कहीं इंग्लैंड अंबेडकर जैसा आप इंग्लैंड में जाके कुछ पढ़ना नहीं है, आप घर पे बैठे हैं एक एक घंटा निकाले इतिहास पढ़िए। बहुत लोगों ने ऐसे जानकारी डालते हैं उसको बहुत उपयुक्त है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ पिक्चर दोबारा देखना पड़ेगा।